दोस्तों, टाटा एस है और टाटा एस का हम इंजन चेंज करने वाले हैं और उसके साथ में आपको दिखाएंगे कि ऑयल ड्रेन कैसा करना है। गर्म होता है इसके लिए सावधानी से लंबा टामी लगाकर इसको खोलना है आपको। इसको लगेगा 16 नंबर का बॉक्स पाना और हम इसको खोल लेंगे पहले और ऑयल छोड़ देंगे डिब्बा के अंदर ताकि नीचे काला ना हो। देखिए ये आग पूरा गर्म होता है। अब जैसे पूरा आग निथर जाएगा तो फिर खोल लेंगे हम ऑयल फिल्टर। और इंजन ऑयल फिल्टर खोलने के लिए लगता है बेल्ट वाला पाना, और वैसे भी इसका ऑयल फिल्टर हमको लूज दिख रहा है, इसके लिए हम इसको पहले हाथ से ही खोलेंगे। और हाथ से नहीं खोलेंगे तो फिर बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे या ऑयल फिल्टर का पानी का इस्तेमाल करेंगे। चलो, ऑयल तो बजरना कम हो चुका है, धीरे धीरे जैसे कम हो जाएगा तो हम ऑयल फिल्टर को पहले लूज कर देंगे। इसको जब तक हम छोड़ देते हैं नीचे ऑयल टपकने के लिए खोलते हुए ऑयल फिल्टर। देखिए लूज है और इसको हम हाथ से ही खोल लेंगे। और वो हाथ से खोलने के बाद सावधानी से उसको नीचे रखना है, नहीं तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो आपके आंख पर या हाथ पर गर्म गिर सकता है। देखिए ये ऑयल फिल्टर भी लगभग खुल चुका है। और उसको पकड़ने के लिए जगह भी नहीं होती है सही में। देखिए ऑयल फिल्टर ये बाहर आ चुका है। अब देखते हैं ऑयल कैसा था, उसके अंदर गिरावटी कितनी थी। इसके अंदर तो चेक करते हैं ऑयल की गिरावटी, और ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, सही टाइम पर चेंज हो रहा है। चलो प्लग टाइट कर देंगे, ऑयल फिल्टर की जगह साफ़ करके ऑयल फिल्टर ऑयल भर के हम लगा देंगे। चलो प्लग टाइट होने के बाद उसको लेते हैं ऑयल फिल्टर को। देखिए ऑयल फिल्टर हमने नया लाया हुआ प्रो लीटर का और 3 लीटर का कैस्ट्रॉल CRB प्लस मिनी ट्रक CH4 ऑयल से हम करेंगे इंजन का ऑयल लेवल। देखिए और ये ऑयल फिल्टर में हम ऑयल भरेंगे। और ऑयल फिल्टर में ऑयल भरने के बाद हम ऑयल फिल्टर को फिटिंग के लिए ले लेंगे। देखिए ये ऑयल फिल्टर में ऑयल भर रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं भरना चाहिए जिसके कारण ये गिर जाएगा। और ऑयल फिल्टर अगर गिरेगा तो ऑयल पूरा लॉस हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो बिठाते हैं ऑयल फिल्टर इंजन को। देखिए ऑयल फिल्टर हम बिठा देंगे पहले हाथ से, पूरे आटे टाइट होने के बाद फिर एक हाथ मारेंगे ऑयल फिल्टर पाने से। टाटा एस की इंजन ऑयल चेंज में ऐसा ही होता है बस। ये देखिए ये हम इसको मिला देंगे, इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती ताकि ये गर्म होने के बाद हार्ड हो जाता है। देखिए अभी अच्छा टाइट होने के बाद हम इसको वो कर लेंगे, निकाल लेंगे वहाँ से। देखिए ये हो चुका है। और अब इसमें हमारा कूपन होता है, और कूपन के लिए हम इसका खोलेंगे क्या। ये निकल चुका है हमारा कूपन इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। हमको कूपन भी मिलता है गिफ्ट में, कैस्ट्रॉल CRB प्लस मिनी ट्रक 3 लीटर इसके अंदर मिलता है, और उसके साथ में ऑयल कैप खोल के हम ऑयल डालेंगे इंजन में और यहाँ पर साफ भी करेंगे। देखिए इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं हम, और ऑयल जैसे टॉप अप हो जाएगा तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ में ऑयल चेंज टाटा एस का
और हमारा दिक्कत आ गई, इसके कारण अभी हमको वीडियो रोकना पड़ा। अगले इसमें पूरा वीडियो बताएंगे, देखने के लिए थैंक यू।